क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है इसका पार्ट वन। कह रहा है डिफाइन व्हाट, तो व्हाट का क्या डेफिनेशन होता है, आइए डिफाइन करते हैं। उसके बाद इन्होंने हमसे ये पूछा है कि एक्सप्रेस किलोवाट इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड, ठीक। इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वॉट को डिफाइन करो, फिर 1 किलो वॉट को आपको जूल पर सेकेंड में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए बच्चों, वॉट को डिफाइन करते हैं। वॉट को डिफाइन करने के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई मशीन है, मान लो ये कोई मशीन है, ओके बच्चों, तो ये कोई मशीन है, जैसे पंप है मान लो, करेक्ट, और इसकी जो पावर है वो है मान लो 1 वॉट, ओके 1 वॉट इसकी पावर दे रखी है। इसका क्या मतलब होता है, वैसे तो ऐसा कोई पंप नहीं है जिसकी पावर इतनी ख़राब हो, 1 वॉट मान लो कोई मशीन है जिसकी पावर कितनी, 1 वॉट, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, यही होता है, ठीक। तो इसका मतलब बच्चों 1 आंसर कब आएगा, पावर 1 कब आएगी, जब वर्क भी कितना हो 1 जूल और टाइम भी कितना हो 1 सेकेंड, ओके बच्चों। ये देखिए तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट लिखते हैं, तो 1 वॉट हो जाएगा ये, ठीक। तो 1 वॉट पावर आप डिफाइन कर दो, एक ऐसी मशीन जो 1 सेकेंड में आपको 1 जूल वर्क करके देती है, ठीक, एक ऐसी मशीन जो 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करके आपको देती है, ऐसी मशीन की पावर कितनी होती है, 1 वॉट, ठीक। द मशीन या द एक्सट द या एनी एजेंट विच कैन डू द वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यही देखिए 1 वॉट की डेफिनेशन है। कह रहा 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट, 1 वॉट उस एजेंट, एजेंट मतलब कोई मशीन होगी, ठीक है, तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज, मशीन होगी या कोई बंदा हो सकता है, मैं हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मान लो मेरी पावर 100 वॉट है तो मैं 1 सेकंड में 100 जूल वर्क करके दे सकता हूँ, ये मतलब है। तो अगर कोई एजेंट ऐसा है जिसकी पावर 1 वॉट है तो उसका ये मतलब है कि वो 1 सेकंड में आपको 1 जूल वर्क करके देगा, ठीक। तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए 1 जूल पर सेकेंड को ऐसे लिख दिया, 1 जूल और सेकेंड को ऊपर ले गए तो सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा, करेक्ट। तो 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 वॉट उस एजेंट की पावर होगी जो एजेंट 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करके आपको देता है, या जिस एजेंट की वर्क करने का जो रेट है वो 1 जूल पर सेकेंड है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक, ये हो गया। उसके बाद 1 किलो वॉट को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, जूल पर सेकेंड में, 1 किलो वॉट को जूल पर सेकेंड में, बहुत ईजी। हमें पता है, यहां पर मैं करता हूं, देखो बच्चों हमें पता है कि भाई 1 किलो वॉट, ओके 1 किलो वॉट में बच्चों कितना वॉट होता है, 1000 वॉट, ठीक है, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। अब करना कुछ नहीं है, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, सो भाई चेक करो ना, अगर 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड होता है तो 1000 वॉट में कितना होगा, 1000 जूल पर सेकंड, 1000 बस वॉट को हटा के क्या लिख देंगे, जूल पर सेकंड। तो इस तरीके से 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड आ गया, लीजिए यही आंसर है, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए बच्चों, आ भी गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ओके चलिए, यस नाउ क्या कह रहा है इसके न्यूमेरिकल पार्ट में, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, अ 150 किलोग्राम कार इंजन डेवलप्स 500 वॉट फॉर ईच किलोग्राम, ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ठीक है, एक कार है, कार का मास कितना है 50 किलोग्राम है, ठीक, और इसका जो इंजन है वो 500 वॉट डेवलप करता है ईच किलोग्राम के लिए बच्चों, ईच किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, करेक्ट, मतलब कार का मास तो 150 किलोग्राम है, तो जब भाई कार का जो इंजन है वो क्या करेगा, एक पावर डेवलप करेगा जिससे कि कार आगे मूव करेगी, अरे कार का इंजन ही तो फोर्स लगाएगा ना, कार का इंजन ही तो फोर्स लगा के वर्क डन करेगा, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होगा इंजन का वही उसकी पावर होगी। लेकिन बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि यहां पे कार की टोटल पावर कितनी होगी, क्या 500 वॉट होगी, नो, और इतनी कम पावर कार की हो भी नहीं सकती है, कार की पावर, कार एक बड़ी मशीन है, उसकी पावर किलोवाट में आएगी, वॉट में 500 वॉट थोड़ी ना होगी कार की पावर। तो लिखा तो है कि 1 किलोग्राम के लिए पावर कितनी है, 500 वॉट है, मतलब अगर 1 किलोग्राम को इंजन जब 1 किलोग्राम के मास को आगे ढकेलता है तो वो 500 वॉट की पावर देता है, इसका ये मतलब है कि जब
कार का इंजन की जो कैपेबिलिटी वो ऐसी है कि 1 किलोग्राम के मास को आगे चलाने के लिए 500 जूल पर सेकंड वर्क करता है। वाट को हटा के क्या लिख दोगे, जूल पर सेकंड। तो ऐसी कार का इंजन है, कार का इंजन फिर से सुन लो, 1 किलोग्राम को आगे ढकेलने के लिए कौन से रेट से वर्क करता है, 500 वाट का मतलब 500 जूल पर सेकंड के रेट से वर्क करता है, इसका मीनिंग है। तो 1 किलोग्राम के लिए पावर कितनी है, 500 वाट। तो कार का इंजन ऐसा तो करेगा नहीं कि 1 किलोग्राम को बस आगे चला देगा, बस वो तो पूरी कार को चलाएगा। तो 1 किलोग्राम के लिए पावर अगर कितनी है, 500 वाट, तो बच्चों टोटल पूरे कार का मास कितना है, 150 किलोग्राम। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम की जो करस्पॉन्डिंग पावर है 500 वाट है, तो 150 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी बताइए, पावर करस्पॉन्ड्स टू 1 किलोग्राम, कितनी बच्चों, 1 किलोग्राम की करस्पॉन्ड पावर कितनी, 500 वाट। सो द टोटल पावर फॉर 150 किलोग्राम, पूरी कार का मास कितना है, 150 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की पावर 500, तो 150 किलोग्राम के करस्पॉन्ड जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 150 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 इनटू 500 वाट, तो यहां से आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो 15 इनटू 5 कितना होता है, 75 1230 लग जाएंगे। तो देखो इतना क्या हो गया, इतना टोटल पावर है यहां पर, कार का जो फाइनल पावर है टोटल पावर कार का, ये कार का पावर। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आप चाहो तो इसको किलोवाट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल इन्होंने हमसे पावर और नहीं पूछा था, आगे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट फोर्स डज इट एग्जर्ट इन मूविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां बच्चों स्पीड दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, स्पीड को हम लोग कौन से लेटर से दिखाते हैं, वी से। तो वी गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि कार का वो इंजन जो 1 किलोग्राम के करस्पॉन्ड जिसकी इंजन की पावर 500 वाट होती, तो वो वाला जो कार का इंजन होगा कार को आगे 20 मीटर पर सेकंड से ढकेलने के लिए, मतलब कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाए इसके लिए इंजन को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आपको बताना है। कह रहा है कि व्हाट फोर्स डज इट एग्जर्ट इन मूविंग द कार एट द रेट ऑफ 20 एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये इंजन कार को अगर 20 मीटर पर सेकंड से चलाएगा तो बताओ कितना फोर्स ये इंजन कार के ऊपर लगाएगा, तभी तो कार आगे चलेगी। ओके, तो बच्चों कार की पावर आपको पता है, फोर्स आपको निकालना है, स्पीड आपको पता है, तो पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। सो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू स्पीड। किसको नहीं पता है पावर का एक नया फॉर्मूला है, फोर्स इंटू स्पीड। जिसको नहीं पता है आइए मैं फटाफट आपको बता देता हूं। देखो पावर क्या होता है, वर्कडन बाय टाइम। वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कुछ नहीं, पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रखा, ठीक, और अपॉन में टाइम तो है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होता है, स्पीड हो जाता है, वेलोसिटी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड या वेलोसिटी, लो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हमने आपको दिखा दिया अगर नहीं पढ़ा है तो। तो अब पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू स्पीड, ये एफ क्या है, फोर्स जो इंजन लगाएगा, वी क्या है, स्पीड है जो कार की स्पीड डेवलप करेगा इंजन, और पी क्या है, पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन। ओके, निकालना क्या है, फोर्स, तो पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी है, यानी कि एफ इंटू वी इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं, और यहां से एफ कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू पी वी, यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू पावर बाय स्पीड। पावर कितना है बच्चों, 7500 वॉट। सो पावर को हमने रखा 7500 वॉट डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है कार का, और ध्यान रखिएगा स्पीड को अगर किलोमीटर पर आर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। पावर अगर किलोवाट में आ रही है आपकी, या किलोवाट में दिया हुआ है मान लो, तो आपको वाट में रखना है, तभी आपका फोर्स न्यूटन में आएगा। ओके, तो पावर वाट में और स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये जीरो से जीरो गया। ठीक है बच्चों, नाउ अब इसको बच्चों थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, देखते कैसे करेंगे। 2 1 2 2 1 2 2 3 6 बन जाएगा, 2 7 14 1 2 5 और ये वाला जीरो बच जाएगा। सो यहाँ से आ गया 3750 न्यूटन्स, करेक्ट। तो इतना सारा फोर्स कार का इंजन लगाएगा, तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड इज 3750 न्यूटन इन मूविंग द कार एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो आप कर सकते हो, कैसे करोगे ध्यान से चेक करूँ,
3750. अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं, तो सबसे लास्ट में अज्यूम करेंगे और उठा के यहाँ पे ले आएंगे. सो कितना हो जाएगा 3.75. अब जीरो का कोई मतलब नहीं, लगाना हो तो लगा लो. डेसिमल कितने प्लेस लेफ्ट में गया, 1 place 2 place 3 place. तो जितने प्लेस लेफ्ट में जाता उतना 10 की पावर में ऐड कर दे, 10 की पावर में 3 ऐड करेंगे, 10 की पावर 3 न्यूटन. अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.75, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स हों और लास्ट में अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है. 3.75 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन. तो आप आंसर चाहे ऐसे लिखो, आप आंसर चाहे ऐसे लिखो, सारे आंसर्स आपके ठीक हैं. ये भी आंसर ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में ये भी ठीक है. ओके, तो नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए.